वेलकम टू एस जे इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल ट्राइंग टू कवर ऑल द पार्ट्स ऑफ एक्वेरियम फिश हॉबी. ट्यूसडे को मैंने आपको दिखाया फ्रेश वाटर फिश का वीडियो, वेनसडे को दिखाया नेचर एक्वेरियम्स का वीडियो, आज थर्सडे को मैं आपको दिखा रहा हूँ मरीन फिश का वीडियो. ये है मिथिलेश भाई का MBDB मरीन फिश स्टोर जो लोकेटेड है गोरेगांव में. ये बहुत बड़े स्केल पे मरीन फिश की डीलिंग करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में मरीन फिश की डिलीवरी करते हैं. आज जनवरी 2020 में इनके पास लेटेस्ट फिश स्टॉक आया है. ये जनवरी का 2020 का सबसे पहला फिश स्टॉक है जो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे. तो बने रहिए अंत तक इनके सारे लेटेस्ट फिश वैरायटीज देखने के लिए. सो हियर इज द ओनर ऑफ MBDB मरीन फिश स्टोर मिस्टर मिथिलेश भाई. हेलो भाई, कैसे हो आप? आई एम गुड. तो भाई आज के वीडियो में आप क्या बताओगे, कौन सा नया फिश का वैरायटीज आया हुआ है? नया वैरायटीज लाइक वी आर हैविंग सम रेयर वैरायटी ऑफ एंजल वैरायटीज भी हमारे पास. मेलुस एंजल मेल फीमेल एंड देन ज़ेब्रा एंजल मेल फीमेल है. लमास एंजल है हमारे पास, काफी वैरायटीज है एंजल वैरायटीज में. ओके. और भाई हमारा एक पुराना वीडियो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उसके ऊपर, क्रॉस 2 लाख व्यूज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, 6 डेज 5 डेज के अंदर क्रॉस किया. क्या बोलना चाहोगे, कैसा रिस्पांस मिला आपको? रिस्पांस वाज वेरी गुड. और आज भी यू आर लेट टुडे. अच्छा, मॉर्निंग में व्हेन स्टॉक केम पीपल वर ऑलरेडी हियर. ओके, काफी स्टॉक निकल चुके हैं. ओके, 30% हैव बीन सोल्ड इन विद इन. ओके, तो ऑलरेडी 30% सोल्ड आउट हो चुका है. नो प्रॉब्लम. एनीवेज हम लोग फिर भी जो स्टॉक है वो भी काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है वो कवर करेंगे फिर भाई. ओके. तो सबसे पहली फिश हम कवर कर रहे हैं जो मेरी फेवरेट फिश है मरीन फिश में, जो हमारे लोगों के ऊपर भी है, ये वाली यहाँ पे. क्या नाम है भाई इसका? ये है ट्रू पॉक्यूलर क्लाउन्स. ट्रू पॉक्यूलर क्लाउन्स. हाँ, इनमें भाई बॉडी पैटर्न थोड़ा सा अच्छा ब्लैक है. अच्छा, इसलिए ट्रू बोलते हैं. नॉर्मल जो पॉक्यूलर होते हैं उन लोग ब्लैक शेड्स नहीं होते. अच्छा, तो इसकी साइज क्या रहेगी मिथिलेश भाई? दीज आर लार्ज साइज. अच्छा, और क्या प्राइस में आएगी? लार्ज साइज आपको आ जाएगी 3000 रुपीज में. ओके, सिंगल. यहाँ पे कौन सी क्लाउन है? ये रेड एंड ब्लैक क्लाउन है. अच्छा, 2200. यहाँ पे नेक्स्ट फिश विच इज वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिश भाई? दिस इज कॉपर बैंड बटरफ्लाई. कॉपर बैंड बटरफ्लाई, दैट इज इट इज अ बटरफ्लाई वैरायटी. बटरफ्लाई वैरायटी. ओके, तो इसकी क्या साइज रहती है? ये अभी हमारे पास जो है लार्ज साइज है ये. अच्छा, और किसके साथ रह लेती है भाई ये? दे कैन स्टे विद एवरीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, दैट मींस दे आर नॉन एग्रेसिव. नॉन एग्रेसिव. एंड व्हाट विल बी द प्राइस? दिस विल कॉस्ट यू 3000 रुपीज. राइट, एंड कितनी बड़ी हो लेती है भाई ये? और यू कैन गेस लाइक इसका लाइक 5 to 6 inches कवर्ड. 5 to 6 inches. ओके. एंड इसको भाई मरीन फिश को कैसा सिंकिंग पैलेट्स लगते हैं या फ्लोटिंग भी खा लेते हैं? एक्चुअली दिस पॉपअप एंड बटरफ्लाई दे आर वेरी मींस उन लोग खाते नहीं है पैलेट्स मोस्टली. तो अच्छा, उन लोग को ब्राइन श्रिम्प या माइसिस ही देना पड़ता है. ओके, या तो प्रॉन्स चॉप करके छोटे छोटे टुकड़े करके देना पड़ता है. ओके, यह नेक्स्ट फिश वैरायटी जो काफ़ी बड़ी साइज की दिख रही है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है. तो भाई क्या नाम है इस फिश का? दिस इज ब्लॉन्ड नासो टैंग. और क्या साइज की है ये अभी? ये लार्ज साइज है. ओके, और प्राइस क्या रहेगी इसकी? ये आपको आ जाएगी 5500 तक. ओके, और भी बड़ी होती है भाई ये? हाँ. यहाँ पे एक कमाल की वैरायटी आप देख सकते हो, उसके डॉर्सल फिन स्पाइक्स के तरह इसने खड़े कर दिए. क्या नाम है भाई इस वैरायटी का? मैग्निफिशेंट फॉक्स फेस. ये है मैग्निफिशेंट फॉक्स फेस. हाँ. ये कौन सी साइज की है अभी? दिस इज लार्ज साइज. लार्ज साइज की अभी. हाँ. अच्छा, और बिहेवियर के बारे में, कैसा बिहेवियर होता है भाई इनका? दे आर नॉर्मल बिहेवियर. तो नॉर्मल है, दे कैन स्टे विद एनी फिशेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड प्राइस क्या रहेगी? प्राइसेस इसका प्राइस जो लार्ज साइज है इट विल कॉस्ट यू 5000 रुपीज. 5000 रुपीज फॉर अ लार्ज साइज. ओके, नेक्स्ट टू दिस फिश हियर इज अनदर ब्यूटिफुल वराइटी. आप इसके पैटर्न देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरती से इसका पैटर्न बनाया गया है नेचर ने. क्या नाम है भाई इसका? दिस इज स्पॉटेड ग्रंट फिश. स्पॉटेड ग्रंट फिश. ग्रंट फिश. ओके, और भी है नाम इसमें, हम लोग स्पॉटेड ग्रंट बोलते हैं. अच्छा जी भाई, और एक नाम से ये जानी जाती है. हाँ, क्लाउन स्वीट लिप्स भी बोलते हैं इसको. क्लाउन स्वीट लिप्स. हाँ. ओके, क्या साइज है अभी इसकी? दिस वन इज एक्चुअली मीडियम से थोड़ी बड़ी है, मीडियम लार्ज साइज की है. ओके, एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 3500. ऑलराइट,
तो हमने कवर की थी मैग्निफिसेंट फॉक्स फेस। तो फॉक्स फेस की और एक वैरायटी हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोन्स के पीछे हाइड कर रही है, अभी आ गई है झुंड में आप देख सकते हो। ये कौन सी फॉक्स फेस है भाई? ये येलो फॉक्स फेस बोलते हैं इसको। येलो फॉक्स फेस, अभी क्या साइज है इनकी? दिस वाला मीडियम साइज है। अच्छा, और क्या प्राइस रहेगी? इसकी प्राइस आपको आ जाएगी 3000 रुपीज। यहाँ पे अगली वैरायटी आप देख सकते हो, काफ़ी कमाल की इसकी कलर पैटर्न है माउथ के पास। क्या भाई नाम है इसका? ब्लू फेस एंजल। ब्लू फेस एंजल, हाँ। इट्स लुकिंग वेरी अमेजिंग, काफ़ी मतलब देखने को मिलती नहीं है क्या भाई ये? नहीं आती है। आती है, अच्छा। ऐसा लग रहा है कि पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि मुँह के आसपास का जो पैटर्न है काफ़ी ऐसा लग रहा है कि किसी भी मरीन फिश को इस तरह से दिया नहीं गया ऐसा पैटर्न। क्या प्राइस में आएगी? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 7000 रुपीज। ओके, अब हम देख रहे हैं अगली फिश। कौन सी फिश है भाई ये? दिस वन इज मैजेस्टिक एंजल। एंड क्या साइज है इसकी? ये है मीडियम साइज है, मीडियम से थोड़ी बड़ी है, मतलब मीडियम लार्ज साइज की। और क्या प्राइस में आएगी ये? आपको आ जाएगी 6500 टू 7500 के रेंज में, डिपेंड ऑन द साइज। साइज के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, और कैसे इसका बिहेवियर रहता है, किसके साथ रहती है? रहती है सब फिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रीफ में नहीं है, रीफ सेफ नहीं है। रीफ सेफ नहीं है? नहीं है। अच्छा, लम्बा है। ये नेक्स्ट फिश, क्या नाम है भाई इसका? दिस इज रीगल एंजल बोलते हैं इसको। रीगल एंजल, हाँ। व्हाट इज द प्राइस? रीगल एंजल की प्राइस है ये वाला 5500। यह अगली वैरायटी आप यहाँ पे देख सकते हो। आई ट्राई टू फोकस ऑन द फिश, ये हम कवर कर रहे हैं। क्या नाम है भाई इस फिश का? दिस इज ब्लू फेस स्टाइल फिश बोलते हैं इसको। ब्लू फेस स्टाइल फिश, स्टाइल फिश। अच्छा, फेस मतलब ब्लू है आग के इधर का पैटर्न, पैच है ब्लू कलर का, इसलिए नाम पड़ा है ब्लू फेस। काफी मतलब देखने को नहीं मिलती भाई ये? नहीं, ज्यादा नहीं आती है, लिमिटेड है, मतलब बहुत कम आती है। ओके, सामने का पैटर्न डॉल्फिन सिकलेट की तरह दिख रहा है मुझको। क्या साइज में है अभी? दिस वन इज एक्चुअली लार्ज साइज है। लार्ज साइज, लार्ज से मतलब थोड़ी सी छोटी, मीडियम लार्ज साइज बोलो। ओके, एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 4000 रुपीज। 4000, और कितनी बड़ी होती है? बड़ी होती है काफी, थोड़ी और बड़ी। अच्छा, मतलब वर्टिकली ग्रो होती है। हियर इज अ नेक्स्ट ऑसम वैरायटी। तो भाई क्या नाम है इस फिश का? इसका नाम पैंथर ग्रुप बोलते हैं इसको। पैंथर ग्रुप, हाँ। अच्छा, इसका पैटर्न काफी कमाल का है, पूरे बॉडी के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है, बॉडी तो व्हाइट कलर की है। right. तो क्या साइज में आएगा भाई ये? ये अभी मीडियम साइज है। और प्राइस क्या रहेगी? प्राइस इसकी 3000 रुपीज है। ऑलराइट, और कितने साइज तक हो लेता है ये? ये तो एक एक फीट तक हो जाते हैं, एक फीट डेढ़ फीट। अच्छा, बहुत बड़े होते हैं। ओके, एंड सबके साथ रह लेते हैं, नॉन एग्रेसिव होते हैं? नहीं, दे आर वेरी एग्रेसिव, छोटी फिश रहेगी तो उन लोगों को लोग खा जाते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर रखना है तो या तो इनसे बड़ी हो या इनके साइज के इतनी हो। ओके, तो दो है इस टैंक के अंदर, हम देख सकते हैं। यह है नेक्स्ट खूबसूरत फिश। कौन सी फिश है भाई ये? लैटिस बटरफ्लाई बोलते हैं। अच्छा, बटरफ्लाई की वैरायटी है। हाँ। क्या साइज है अभी इसकी? मीडियम साइज है। और किस कितने में आएगी ये? आपको 2500 में आएगी। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट फिश। तो क्या नाम है भाई इस फिश का? दिस इज कॉल्ड बाइकलर एंजल। बाइकलर, दैट इज टू कलर्स। हाँ, बाइकलर। क्या प्राइस में आएगी भाई ये फिश? ये आपको आ जाएगी लाइक 2200 रुपीज में। ओके, नेक्स्ट फिश इज हियर। व्हाट इज द नेम भाई? दिस इज की होल एंजल। की होल एंजल, पूरी बॉडी पूरी ब्लैक कलर की और ऊपर एक बड़ा व्हाइट स्पॉट है, पिंच नीचे के उसके येलो येलो है जी। क्या प्राइस में आएगी? दिस विल कॉस्ट यू 3000 रुपीज। अगेन वी आर वॉचिंग द ब्यूटिफुल बाई कलर एंजल। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके कलर्स, इसके पैटर्न और जिस तरह से इसका नाम पड़ा है बाई कलर, यानी टू कलर्स है इसके बॉडी के ऊपर। तो सेम प्राइस रहेगी मिथिलेश भाई? सेम प्राइस। ओके,
ये अगली वैरायटी आप देख सकते हो काफ़ी डार्क ब्लैक है, फुल पिच ब्लैक है भाई, कौन सी वैरायटी है ये? दिस इज कॉल्ड मिडनाइट एंजल बोलते हैं इसको। मिडनाइट एंजल, हाँ। इतनी ब्लैक है कि आग कहाँ है पता नहीं चल रहा है, right. इसलिए काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही है, हाँ। क्या साइज है अभी? दिस वन इज मीडियम साइज एंड प्राइस? प्राइस इसकी 3000 की आएगी। यहाँ पे है नेक्स्ट फिश, आप इसके स्ट्राइप्स देख सकते हो बॉडी के ऊपर। कौन सी फिश है भाई ये? दिस वन इज ऑरेंज लाइन एंजल फिश बोलते हैं इसको। क्या प्राइस में आएगी ये? आपको 3000 रुपीज़ की आएगी। ओके, नाउ वी आर वॉचिंग द टैंग वैरायटी। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या नाम है भाई इस टैंक का? दिस इज पाउडर ब्लू टैंक बोलते हैं इसको। और क्या प्राइस आएगी? ये लार्ज साइज है तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4000 रुपीज़। 4000 में आएगी, हाँ। के और यहाँ पे ये कौन सी है? दिस इज रकून बटरफ्लाई। के क्या प्राइस रहेगी? ये आपको आ जाएगी 3500 में। राइट, और यहाँ पे कौन सी फिश है? दिस इज अगेन ब्लोन नसो टैंक, ऑलरेडी कवर्ड, सेम प्राइस रहेगी। इस टैंक में हम देख रहे हैं अगली वैरायटी जो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन है। तो भाई कौन सी वैरायटी है ये? दिस इज ज़ेब्रा एंजल। ज़ेब्रा एंजल, हाँ। ओके, आपने बताया इसके अंदर मेल होते हैं आपके पास? हाँ, ये ज़ेब्रा जो अभी बोला वो मेल है एंड नीचे जो देख रही है दूसरी, दैट्स जापानीज सॉरो एंजल बोलते हैं इसको। ये वाली? हाँ, दिस वन इज एक्चुअली द फीमेल ऑफ ज़ेब्रा एंजल। ज़ेब्रा एंजल, हाँ। ओके, तो मेल की क्या प्राइस रहेगी? मेल विल कॉस्ट यू 5500। ओके, इसके ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं भाई मेल, हाँ, के ऊपर, हाँ। प्रोमिनेंट स्ट्राइप्स। और यहाँ पे फीमेल की क्या प्राइस रहेगी? फीमेल विल कॉस्ट यू 4500 रुपीज। ये है नेक्स्ट मरीन फिश, यहाँ पे आप देख सकते हो। कौन सी मरीन फिश है भाई ये? दिस इज कॉल्ड ल्यूटेनेंट टैंग बोलते हैं। ल्यूटेनेंट टैंग, दैट इज टैंग वैरायटी है ये, राइट। और क्या प्राइस में आएगी ये? आपको 3000 में आएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं टैंग की खूबसूरत वैरायटी जो काफ़ी फेमस है एज डोरी फिश। तो भाई क्या नाम है इस फिश का? इट्स रीगल टैंग। इट्स रीगल टैंग, हाँ। अच्छा, तो कैसा बिहेवियर होता है, किसके साथ रहते हैं? दे कैन स्टे विद एवरीवन, नॉर्मल अच्छे से रहते हैं और रीफ से फिश है, अच्छे साथ रह जाते हैं। ओके, क्या प्राइस में रहेगा? दिस इज मीडियम साइज, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 रुपीज। ये 3000 रुपीज फॉर वन रीगल टैंग। तो अब हम देख रहे हैं रीगल टैंक की बड़ी साइज़। तो कौन सी साइज़ है भाई ये? दिस इज लार्ज साइज। लार्ज साइज़ है, हाँ। ओके, और ये लार्ज साइज़ क्या प्राइस में आएगी? 3800। ओके, और क्या भाई हम छोटी रीगल्स को बड़ी रीगल्स के साथ रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट क्लाउन की टाइप, क्या नाम है भाई इसका? मरून क्लाउन बोलते हैं इसको। ओके, क्योंकि कलर मरून है इसलिए, हाँ। ओके, ये सेम साइज की है? लार्ज साइज है ये भी। अच्छा, और क्या प्राइस रहेगी? सेम, इट विल कॉस्ट यू 2800 रुपीस। ओके, यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल फोर्थ क्लाउन फिश की वैरायटी। क्या साइज है भाई इस क्लाउन की? और कौन सी क्लाउन साइज है? एक्सेल साइज की कौन सी क्लाउन है? ये गोल्डन स्ट्राइप मरून क्लाउन बोलते हैं इसको। अच्छा, हम इसके बॉडी के ऊपर देख सकते हैं बड़े बड़े स्ट्राइप्स है, गोल्डन स्ट्राइप्स है, इसलिए भाई इसका नाम पड़ा है ऐसा, हाँ। ओके, और तो भाई अगर क्यूरियोसिटी से पूछना था कि अगर सारे क्लाउन्स को हम लोग एक साथ रखना है तो कैसे रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। नहीं, तो कितने क्लाउन्स एक साथ रह पाएंगे? नॉर्मली टैंक रिलेटेड क्लाउन्स है जो आप उन लोग को एक साथ रख सकते हैं। अच्छा, बट एक सर्टेन टाइम आता है कि दे विल नॉट स्टे, दे विल आल्सो स्टार्ट फाइटिंग। अच्छा, नॉर्मली पेयर होने के बाद यू कैन कीप लाइक पेयर रख सकते क्लाउन्स के। ओके, तो अगर मेरे को पेयर रखना है तो आइदर गोल्डन स्ट्राइप का या मरून क्लाउन का, हाँ। या जो टोमेटो क्लाउन, पॉपुलर क्लाउन, तो पेयर में रख सकते हैं? पेयर रख सकते, बट वैरायटीज को मिक्स नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ओके, तो इस गोल्डन स्ट्राइप की क्या प्राइस रहेगी भाई? ये वाली एक्सेल साइज है, दिस विल कॉस्ट यू 4000 रुपीज। ओके, अब हम देख रहे हैं क्लाउन फिश की पांचवी वैरायटी। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो एक ऊपर एक पूरी व्हाइट स्ट्राइप है भाई, क्या नाम है इस क्लाउन का? दिस इज ऑरेंज स्कंक क्लाउन बोलते हैं इसको। ऑरेंज स्कंक क्लाउन, हाँ। छोटी साइज, स्मॉल साइज की है? नो, दिस इज मीडियम साइज, हाँ। ओके, मतलब थोड़ी सी बड़ी होगी अभी, हाँ। ओके, क्या प्राइस में आएगी ये? आपको आ जाएगी 1850 की। अब हम देख रहे हैं क्लाउन फिश की सिक्स्थ वैरायटी,
यहाँ पे आप देख सकते हो इनको, इनका पैटर्न देख सकते हो भाई, कौन सी क्लाउन है ये? गोल्डन नगेट क्लाउन। अच्छा, ये एक्सोटिक क्लाउन्स होते हैं मिथिलेश भाई? हाँ, एक्सोटिक से सर। अच्छा, 10,000 में आएगा। हाँ, ये अगली एक्सोटिक क्लाउन, सेवेंथ क्लाउन फिश की वैरायटी, क्या नाम है भाई इसका? दिस इज मिडनाइट क्लाउन बोलते हैं इसका। मिडनाइट क्लाउन, व्हाट इज द प्राइस? इसका प्राइस 7,500। ओके, लार्ज साइज के बाद हम आपको दिखा रहे मीडियम साइज। तो भाई क्या प्राइस रहेगी मीडियम साइज? मीडियम साइज की 2,500 आएगी आपको। और भाई क्लाउन फिश काफी पॉपुलर फिश है मरीन फिश में। हाँ। तो आप इनके लिए फिश फूड क्या सजेस्ट करोगे? नॉर्मली मैं तो अभी मरीन एस दे रहा हूँ, हिकारी का, एंड देन उसके बाद फ्रोजन ब्राइन श्रिम्स भी देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट फिश वी आर वॉचिंग, क्या नाम है भाई इस फिश का? दिस वन इज पैजामा कार्डिनल। ओके भाई, लास्ट टाइम हम देखे थे छोटे साइज के, आप इस बार आप बड़े पैजामा कार्डिनल देखे हो। एक्सेल साइज है ये एक्चुअली। अच्छा, एक्सेल साइज, क्या प्राइस में आएगी ये? आपको आएंगे 1850 के। अच्छा, नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हो टाइनी लुकिंग फिश है ये वाली, आप यहाँ पे, ये कौन सी वराइटी है भाई? इसको अजूरे डेम्सल बोलते हैं। अजूरे डेम्सल, काफ़ी छोटी साइज़ की है ये। हाँ, अराउंड क्या साइज़ है इनकी? वन एंड हाफ इंच के साइज़ की है। अच्छा, और ये सबके साथ रहती है? हाँ, रह जाती है। अच्छा, तो क्या बड़े फिश से इनको कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्या प्राइस में आएगी? 750 रुपीज़। यू आर वॉचिंग द नेक्स्ट फिश, तो भाई क्या नाम है इसका? दिस वन इज गोल्डन क्रोमिस बोलते हैं इसको। ओके, छोटी साइज़ है कि मीडियम साइज? दिस इज मीडियम साइज, तो बड़े नहीं होते। ओके, ऐसे इतने ही रह लेते हैं। हाँ। प्राइस क्या रहेगी? 1500। ओके, ये है यहाँ पे अगली फिश, तो भाई क्या नाम है इसका? ब्लू आई एंथियास बोलते हैं इसको। क्या प्राइस में आएगी? ये आपको 2500 में आएगी। अब हम देख रहे हैं एक चुलबुली फिश जिसके ऊपर ग्रीन कलर का टेंज है बॉडी के ऊपर, क्या नाम है भाई इस फिश का? इसको मून ब्रास बोलते हैं। मून ब्रास, ये काफ़ी स्विफ्टली तैर रही है, क्या प्राइस में आएगी? दिस विल कॉस्ट यू 2,500 रुपीज। यहाँ पे अगली फिश, व्हाट इज द नेम भाई? दिस इज पिंक बार गोबी। पिंक बार, हाँ पिंक बार, क्या प्राइस में आएगी? ये आपको आ जाएगी 1850 में। ये अगली फिश, व्हाट इज द नेम भाई? दिस वन इज लमाक एंजल। लमाक एंजल, क्या साइज है अभी? दिस वन इज लार्ज साइज, एंड प्राइस क्या रहेगी? इसकी प्राइस आएगी आपको 4,500 की। नाउ वी आर वॉचिंग वन ऑफ द रेयर वराइटीज इन मरीन फिश, ये है भाई कौन सी फिश? दिस वन इज बेलूस एंजल मेल है। ओके ओके, और फीमेल उसकी वहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, ये ऊपर। दिस वन इज अ फीमेल। दिस वन इज अ फीमेल। ओके, so does the price vary in male and female? Male will cost you 9,000 rupees and female will cost you 7,500 rupees. Okay. Here is the next variety of marine fish. क्या नाम है भाई इसका? This one is sea goldie anthias. Sea goldie anthias. हाँ. Okay. तो क्या size है भाई इनकी? ये this one is a normal medium size ही है. Okay. And what will be the price? 2,800. यहाँ पे अगली वैरायटी, ये कौन सी है भाई? दिस वन इज ऑरेंज स्कंक टाइल फिश बोलते हैं इसको। ओके, और यहाँ पे ये वाली? दिस वन इज लॉन्ग नोज हॉक फिश। लॉन्ग नोज हॉक फिश। ओके, बैक टू दिस फिश, क्या प्राइस रहेगी इसकी? दिस इज ऑल्सो सेम 4,000 रुपीज की है। ओके, और इसकी? एंड दिस वन विल कॉस्ट यू अराउंड 3,500। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं अगली वैरायटी, आप इसके पैटर्न देख सकते हैं बॉडी के भाई, क्या नाम है इसका? दिस इज ब्लू ग्रीन मेंड्रिन। ब्लू ग्रीन मेंड्रिन, भाग जाएगी, क्या प्राइस रहेगा? ये आपको आएगी 2,000 रुपये में। तो यहाँ पे हम ये एक मरीन फिश की, क्या बोल सकते हैं इसको भाई हम? एनीमून से, एनीमून बोलते थे, बबल एनीमून। ये क्या प्राइस में आएगी भाई? ये आपको आएगी 3,000 रुपीज़ में। 3,000 में।
तो ये था एमबीडीबी मरीन फिश स्टोर का रीसेंट लेटेस्ट फिश स्टॉक, जिसमें हमने काफ़ी सारे मरीन फिश के वैरायटीज़ कवर किए। तो अगर आपको कुछ भी इंक्वायरीज रहेगी, आप मिथिलेश भाई के नंबर के ऊपर उनको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मिथिलेश भाई फॉर शेयरिंग ऑल द फिश नेम्स एंड प्राइजेस विद अस। बहुत जल्द हम लोग न्यू वीडियो बनाएंगे आपके अगले फिश स्टॉक का। ओके, सो दिस वॉज द टूडेज वीडियो अबाउट एमबीडीबी मरीन फिश शॉप। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द थम्स अप बटन एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज कमिंग सून ऑन एसजी इंसेप्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।